ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ गलतियों के बारे में जो ड्रॉपर्स जो गलतियां करते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा कि आप जितने भी ड्रॉपर्स हो जो मेरी बातों को सुन रहे हो, चाहे आप जेई के ड्रॉपर हो, चाहे आप नीट के ड्रॉपर हो, या आप 11 12th के कोई स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको ऐसा डर लग रहा हो कि आप फ्यूचर में शायद ड्रॉपर बन सकते हो, आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन अभी हो, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप ईयर में हो, कहीं पर भी हो, नीट में हो, जेई में हो, कोई और किसी स्ट्रीम में क्यों ना हो, चाहे आप सीए के लिए ड्रॉप कर रहे हो, कोई भी चीज़ों के लिए अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ कि आप ड्रॉप किस वजह से करते हो। और इस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़िंदगी में दोबारा कभी ड्रॉप ना करो। ड्रॉपर होते कौन हैं, ड्रॉप करने से आपका नुकसान क्या होता है, फ़ायदा तो हमको पता है सबको कि आप ड्रॉप करोगे, वापस से आप एग्ज़ाम दोगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप करने से आप लोगों का नुकसान क्या होता है, फाइनेंशियली किस तरीके से आपका नुकसान होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोग इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो यार, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉपर होते कौन हैं। दो टाइप के लोग होते हैं जिनको हम ड्रॉपर कहते हैं। पहले वो होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, 11 12th में लेट से पढ़ाई करें हैं, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ और फिर वो ड्रॉप लेते हैं। दूसरे वो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो 11 12th में सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ते हैं, 12th का एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेते हैं, एक एक्स्ट्रा साल लेते हैं जेई नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो सेकेंड कैटेगरी है ना, ये लोग ड्रॉपर्स नहीं हैं, बिकॉज इन्होंने जेई नीट की तैयारी जो है पहली बार 12th के बाद ही शुरू करी। तो इनको हम हालांकि बोलते ड्रॉपर हैं, रिपीटर बोलते हैं, बट मेरे नज़रों में असली ड्रॉपर वही होता है जो 11 12th में या कोई भी साल में पढ़ा है, पढ़ने के बाद में उसका एग्ज़ाम नहीं निकला है, उसके अंदर में एक उम्मीद है, एक चाह है कि उसका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सकता है और वो फिर ड्रॉप लेता है, वो एक्चुअल ड्रॉपर होता है। ठीक है, मतलब जिसने पहले पढ़ाई करी हो और फिर ना हुआ हो, जैसे कि मैं खुद जब स्टूडेंट था 11 12th में मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था लेकिन अच्छी रैंक नहीं आने की वजह से सीट वगैरह नहीं मिल रही थी, तो मेरे को एक एडिशनल साल मेरे को लेना पड़ा था, तो मैं सही मायने में एक जो है ड्रॉपर था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 12th के बाद ही पढ़ाई करी थी, तो उनको मैं ड्रॉपर यहाँ पर कंसिडर नहीं करूँगा। ड्रॉप करने से फ़ायदा तो बहुत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ड्रॉप किया 2016 में, 2017 में मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, IIT क्रैक करा, जेई मेन्स क्रैक करा, स्टेट एग्ज़ाम्स क्रैक करा, अंडर 1000 रैंक लाया, बहुत जगह अच्छे अच्छे रैंक्स लाया। लेकिन ड्रॉप करने से नुकसान क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। पहला नुकसान होता है आपका साल का, जो आप लोगों को पता भी है, बट एट दिस एज ऑफ टाइम आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि चल एक ही साल तो और है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक साल का मतलब, सपोज़ कर लो आप कोई IIT से आप अगर पास आउट है, लेट से आपकी 1,500,000 रुपए की पैकेज है, ठीक है, सो आप ये समझो कि एक साल जो है वो आपका टाइम भी वेस्टेज है, साथ में जो आप जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते थे, अब आप एक साल बाद अर्निंग स्टार्ट करोगे तो जो पोटेंशियल पैसा आप कमाते एक साल में, वो भी आप नहीं कमाओगे। सो ये सिर्फ छोटा सा लॉस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है ड्रॉप करना, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए ताकि इन फ्यूचर आप जो है ड्रॉप करने का नौबत ही ना है। ठीक है ना, आप अपने गलतियों को इस तरीके से सुधार लो कि आपको ड्रॉप करना ही ना पड़े, समझ रहे हो। आज अगर आप मान लो लेट से ड्रॉप नहीं करते हो, ठीक है, सो आप किसी एक लाइफ के सिचुएशन में पहुंचोगे एक साल पहले कंपेयर टू जब आप ड्रॉप करोगे, तो वो एक साल आपका यहाँ पर लॉस है टाइम का, साथ में आप एक साल लेट अर्निंग शुरू करोगे अपने लाइफ में, तो वहाँ पर भी आपका बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस है। प्लस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, मैं खुद एक ड्रॉपर रहा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे ही ना एक बार कैलकुलेट कर रहा था कि मेरे पढ़ाई के ऊपर में कितना खर्चा लगा है 11 12th में, मेरे कॉलेज में, ठीक है, कितना खर्चा लगा है। सो दैट अमाउंट वाज लाइक 10-15 लाख रुपए के आसपास वो अमाउंट आ रहा था, स्कूल को मिला लो, सब चीज़ों को मिला लो। सो अगर मैं सिर्फ ड्रॉप का भी मानता हूँ कि आपने भाई पढ़ाई करी जो तो आपकी 11 12th की थी, सो सी, अब आपने एक एक्स्ट्रा साल लिया, आपने अगर जेई नीट के लिए मान लो आप अगर कोटा चले गए, जैसे मैं कोटा चला गया था, तो 2-3 लाख रुपए आज से 5-6 साल पहले मेरे खर्चे हो रहे थे, ठीक है ना, एक साल के कोटा के अंदर में हॉस्टल हो गया, ये हो गया, सब चीज़ें हो गया। अब आप मान लो कि आप आज के टाइम पे वो चीज़ और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, लेट से ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अगेन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है, लेकिन अगेन आपकी टाइम की एक बहुत यहाँ पर कीमत होती है। मैं ना कहीं ये सोचता हूँ कि जो पैसा हम लोग लगाते हैं करियर को बिल्ड करने के लिए, लेट से हमने 10-15 लाख रुपये लगाए, सपोज़ कर लो उसमें से एक लमसम अमाउंट हम लोग कहीं किसी तरीके से सेव करते, अगर हम सही स्ट्रैटेजीज बनाते, सही पढ़ने के तरीकों से अगर हम वो पैसा को सेव करते
और उस पैसा को अगर हम इन्वेस्ट करते, लेट्स से अगर किसी के पास में 10 लाख रुपए हैं और अगर उसको सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ताकि कम से कम 20% की भी हर साल रिटर्न आए और उस पर भी कंपाउंडिंग हो, तो आप समझ सकते हो जो इंसान करियर बना रहा है उस पैसे को इन्वेस्ट करके, पहले पैसा हम कोचिंग में देते हैं, पढ़ते हैं, उस पैसे से फिर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाकर के हम फिर अपना करियर डेवलप करते हैं, फिर हम जॉब के लिए जाते हैं, राइट, और फिर हम 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख इन सारे पैकेजेस में डील कर रहे होते हैं। मेरा ये थिंकिंग है कि अगर आप अपने पढ़ाई के टाइम पे इस तरीके से स्ट्रैटेजी सही तरीके से बनाओ ताकि आपके पेरेंट्स का पैसा इस तरीके से बचे ताकि जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देगा आपके जॉब के साथ साथ जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी अपने पेरेंट्स के साथ कभी बैठो, पापा के साथ कभी बैठो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा कि ना सिर्फ टाइम का बल्कि आपके पैसे का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। और सिर्फ आप समझते हो कि 2 लाख रुपए का आज वेस्टेज हुआ है, नहीं, उस 2 लाख रुपए को आप कितना बढ़ा सकते थे ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सीखोगे। सो मेरे हिसाब से जब आप ड्रॉप करते हो दोनों चीज़ों का आपका भारी नुकसान होता है। 1 साल आप लेट कमाते हो, जो पैसा आप लगाते हो वो आपका वेस्ट जाता है, वेस्ट नहीं कहूँगा जाता है, बट अगर आप पहले ही सारी चीज़ों को ध्यान रख लो तो वो पैसा आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं बात करूँगा कुछ गलतियों के बारे में जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्रॉप, जिनके वजह से उनको ड्रॉप लेना पड़ता है, अगर आप इन गलतियों को सुधार लो ना तो शायद आपको ड्रॉप लेना ही ना पड़े। 4 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बुक्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहला बुक्स, एक जो मेजर मिस्टेक है ना बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं बुक्स, और बुक्स कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हो, जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप सीखते हो, वहाँ का क्या करिकुलम है, जिस आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कहीं जाते हो, कहीं आप स्कूल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। बुक्स में बच्चे जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग हमेशा थियोरेटिकल जाते हो। आप जैसे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो ना, वैसे जेई नीट की तैयारी नहीं होती है। जेई नीट की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको थ्योरी के साथ साथ टेक्निकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम बच्चे जो ये करते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स भी उनको वही चीज़ सिखाते हैं, वो ये करते हैं कि आप थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हो लेकिन आपका एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन सोचना आना चाहिए। कोई एक चैप्टर है, लेट्स से रोटेशनल डायनामिक्स, तो उसके कितने टाइप के एप्लीकेशन है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर फोकस नहीं होता है। हमेशा जो फोकस होता है वो थ्योरी के अंदर में होता है। तो जो भी आप बुक्स फॉलो करते हो, मैं आपको एडिशनल ये बोलूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर से करो। एमसीक्यू की आपको कोई सी भी बुक मिल जाए, सारी बुक्स अच्छी होती है, एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। बुक्स के अंदर में एक मेजर पैटर्न चेंज करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप 2021 में एग्जाम दिए, 2022 में अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, तो मेक श्योर इसके आगे आपको ड्रॉप ना करना पड़े। स्पेशली नीट के बच्चे जो होते हैं ना, बहुत बार ड्रॉप लेते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 बार मैंने देखा है नीट के बच्चों को ड्रॉप लेते हुए, क्योंकि वो अपना पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे। आप लॉजिकली सोचो, 5 बार कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, ठीक है, नीट के बच्चों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, 5 बार कोई एग्जाम क्रैक नहीं होना, इसका मतलब आप ट्राई तो पूरा मार रहे हो। 5 साल आपने एग्जाम दिया, ठीक है, ट्राई मार रहे हो, मतलब आपके अंदर एक उम्मीद है, लेकिन आप शायद सही डायरेक्शन में पढ़ नहीं रहे, या फिर आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं, जिस सिस्टम में आप पढ़ रहे हो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, वो शायद आपको सही डायरेक्शन में ले जा नहीं पा रहे। सो क्यों ना यहां पर थोड़ा सा थिंकिंग को, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज किया जाए, और क्यों ना ये मेक श्योर किया जाए कि अगला जो भी एग्जाम हमारे पास में रहेगा, डैट विल बी द लास्ट, ये जो ड्रॉप सेशन है मेरा लास्ट ड्रॉप सेशन है, इसके आगे मेरे को अभी ड्रॉप करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और ड्रॉप बहुत एक गंदा वर्ड होता है, ठीक है ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को रिपीटर्स मानो, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉपर से एक नेगेटिव थिंकिंग बच्चों के माइंड में मैंने देखा ये जाती है। तो आप लोग अपने आपको रिपीटर्स कंसिडर करो रादर देन ड्रॉपर्स कंसिडर करो आज से, इस वीडियो के बाद से। अगेन सेकंड जो हमारे पास में पॉइंट है ना, टीचर्स का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है। जितने भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो, आपको उन टीचर्स को फॉलो नहीं करना है यहाँ पर जिन्होंने खुद एग्जाम बहुत बढ़िया क्रैक कर रखा है, नहीं, आपको उन टीचर्स को यहाँ पर फॉलो करना है जो आपको एग्जाम क्रैक करा सके। मतलब कि कोई स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक करना और किसी टीचर का किसी स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करवाना, ये 2 अलग अलग चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से इस चीज़ को समझो। जब भी आप कोई टीचर को पकड़ो, कोई टीचर से आप पढ़ने जाओ, तो सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछो कि क्या ये जो टीचर है उसमें चाहे कितनी क्वालिफिकेशंस क्यों ना हो, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना हो, ठीक है ना, आपको ये सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई क्या ये टीचर मुझे एग्ज़ाम क्रैक करवा सकता है, क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है। नहीं आपको समझ में आ रहा, कुछ दिन जज करो, ठीक है ना, कुछ दिन डेमो क्लास लेकर के जज करो। आप लोग क्या करते हो, ये सोचते हो कि हाँ यार पड़ोस में इस लड़के ने इस टीचर से पढ़ा है तो ये टीचर बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, क्या पता वो पड़ोस वाला जो लड़का था वो अपने मेहनत से क्रैक किया हो, वो टीचर
चाहे कितनी क्वालिफिकेशंस क्यों ना हो, हाँ अगर क्वालिफिकेशंस के साथ में टीचर ने अगर खुद क्रैक करा है, साथ में टीचर आपको भी करा पा रहा है, टीचिंग स्किल्स किसी टीचर के अंदर है, वो आपके अंदर आपके लिए एक परफेक्ट टीचर है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे टीचर से पढ़ते हैं हु आर नॉट टीचर्स बाई चॉइस। इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यू शुड लर्न फ्रॉम टीचर्स हु आर टीचर्स बाई चॉइस। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं टीचर बाई चॉइस हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली या कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली तो मैं टीचिंग में आया, नहीं, मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ी टीचिंग के वजह से। सो इस टाइप के टीचर्स, ठीक है ना, इस टाइप की मेंटालिटी रखने वाले टीचर्स, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, लेकिन इस टाइप की मेंटालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स से बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो टीचर्स को एक्चुअल में हो सकता है वो IITians हो, लेकिन वो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर IITian हो, आप कोई भी IIT से पढ़े हो, बहुत सारे पीछे के भी IITs होते हैं, बहुत सारे पीछे के भी ब्रांचेस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो वो फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है, बिकॉज अ टीचर इज़ फ्रॉम IIT, तो वो IIT की डिग्री की वजह से बहुत सारे लोग टीचर्स बन जाते हैं, और उन स्टूडेंट से हो सकता है आप लोग पढ़ रहे होते हो। इस थिंकिंग को समझो, अगर आप लोग उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो, आपके नज़र में वो IITian है, लेकिन वो आपको तो IIT क्रैक नहीं करा सकता ना, क्योंकि उसमें वो डेडिकेशन, पैशन, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो चूज़ योर टीचर्स वाइजली। अगर आप अभी किसी टीचर से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो कि वो टीचर जो बातें मैं कह रहा हूँ क्या उससे अलाइन है, नहीं है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके टाइम और आपके पैसों का नुकसान हो रहा है दिन प्रतिदिन। आज आप जो भी पैसा किसी टीचर को दे रहे हो वो पैसा आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, अगर आप बचा सकते हो तो राइट डिसीजंस लो, राइट जगह इन्वेस्ट करो, ताकि आपका एग्जाम जल्दी क्रैक हो जाए और जल्दी आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बन पाओ। तीसरा जो हमारे पास में गलती है वो है प्लेटफॉर्म चूज करने का गलती। मैक्सिमम बच्चे सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि यार हम ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े, दोनों बढ़िया है, ठीक है, दोनों बढ़िया है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे 2021 के टाइम पे बच्चे कहते हैं ऑनलाइन अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन का भी ट्रेंड बढ़ रहा है कोरोना के कारण। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं 2016 में पढ़ता था ना, मैं तब ये बात कहता था कि मेरे लिए ऑनलाइन बढ़िया है। उस टाइम पे लोग ना हंसी उड़ाते थे, यूट्यूब से पढ़ेगा, मैं यूट्यूब से पढ़ा था, मैंने कोचिंग में ज्वाइन करा था, लेकिन मैं एब्सेंट जाता था, मैं कोचिंग नहीं जाता था। मेरे पेरेंट्स को कई बार मैंने देखा है, वो लोग थोड़ा अपसेट होते थे कि मैं, मेरे घर में चिट्ठियां जाती थी जब मैं कोटा में था, रेजोनेंस के अंदर में मेरे घर में नोटिस जाता था कि आपका लड़का एक हफ्ते से नहीं आया है। मैं अपने फ्रेंड को अपनी ID कार्ड दे करके उससे अटेंडेंस लगवाता था, ठीक है ना, बदले में उसको खर्चे पानी देता था ताकि मेरी अटेंडेंस लगती रहे और मैं घर बैठ के ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ता रहूं। क्योंकि मेरे को ये समझ आ गई थी कि भले ही पैसा लगा है, ठीक है, लेकिन मैं अगर उस पैसे के चक्कर में प्रेशर लेकर के अगर मैं कोचिंग जाऊंगा तो मुझे पता है मैं फ्यूचर अपना नहीं बना पाऊंगा, मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो मुझे पता थी, ऑल्दो मैं उस सिचुएशन में लैंड कर गया था, मैक्सिमम बच्चे लैंड कर चुके होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार पेरेंट्स का पैसा बचा है, पैसा वसूलने जाना है। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार मेरे लिए ऑनलाइन बढ़िया है, मेरे को थोड़ा लेट से समझ में आया था, वो मेरी गलती थी, पहले समझना चाहिए था, बट जब भी समझ में आया तब से मैंने ऑनलाइन पढ़ा। और मैं 2016-17 में यूट्यूब से पढ़ता था, YouTube पे उस टाइम कोई जैसा मैक्सिमम चैनल्स नहीं थे, हम लोग भी बाद में आए YouTube में, मैं जब फर्स्ट ईयर में गया तब से मैं YouTube में आया, बट उस टाइम भी जो भी चैनल्स होते थे फॉरेन के चैनल्स होते थे, कहीं से भी सीख लेते थे। चीज़ों को सीखने का मतलब है कि आप बस चीज़ों को सर्च करो और वहाँ से चीज़ों को सीख लो। सो ये आप लोगों को समझना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। उसके बाद में डिस्कशन होती है कि क्या चीज़ सस्ता है, क्या चीज़ वो है। अगर आपको लग रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में फिर आप सोचोगे कि सबसे सही अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बढ़िया चीज़ कहाँ मिल रही है, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए समझना। और अगर आप ऑफलाइन चूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी आपको ये चीज़ समझना है कि सही अफोर्डेबल प्राइस में, ऐसा नहीं कि आप लोग 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए आप लोग दे करके बैठे और वहाँ से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। आपको किसी ऐसे जगह रहना पड़ेगा जहाँ पर आपको सही प्राइस में, ठीक है ना, मार्केट प्राइस में, सही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को एक अच्छा आउटपुट मिले, ठीक है ना। वो कोई सी भी कोचिंग हो सकती है, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एडमिशन। ये नहीं कि किसी ब्रांड के पीछे भाग गए, बहुत सारे ब्रांड है। अब आप एक बार बताओ, आज आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि मैं आयुष राठी की वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन किया था, जब मेरे बड़े भैया कोचिंग ज्वाइन किए थे, हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज हमें तीनों टीचर सही से नहीं मिलते थे। हमें मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर अच्छे मिले, मैथ्स सही नहीं मिले, या मान लो मैथ्स केमिस्ट्री से मिले, फिजिक्स से मिले। बिकॉज जब हम ब्रांड के पीछे जाते हैं तो हम टीचर्स को देखते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि टीचर्स कौन से पढ़ाने वाले हैं, और हम 2-2 लाख रुपए जाकर के दे देते हैं और फिर सफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना उस सिचुएशंस में, ये सारी गलतियां हमने करी है, क्यों ना उस सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस लिया जाए,
क्यों ना उस सिचुएशंस में कुछ ऐसे जगह जाया जाए जहां पर हम टीचर्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएं एडमिशन लेने के पहले। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे ऑनलाइन के अंदर में। आपको अगर मेरे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये आप फ्री में डिसाइड कर सकते हो। 10 वीडियो 50 वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपको पता है कि हाँ मेरे अंदर में क्वालिटी है, तभी आप यहाँ तक हो। लेकिन जब आप किसी ब्रांड के नाम पर किसी को पैसा देते हो जहाँ पर जाकर के आप पढ़ते हो, तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आप जिस टीचर जो टीचर आपको मिलता है वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होता है। सो मेक श्योर टू चूज द प्लेटफॉर्म वाइजली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बच्चे तो ये प्लेटफॉर्म सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचता ना तो मैं 2016-17 में ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा होता, मैं कोटा में रह के ऑनलाइन पढ़ता था। मतलब लिटरली मेरे सारे दोस्त कहते थे जिन लोगों ने ड्रॉप लिया था उस टाइम पे कि भाई क्लास जाया कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासेस बुरी थी, क्लासेस अच्छी थी, मेरे लिए सही नहीं थी। और एंड रिजल्ट क्या हुआ था पता है, वो सारे ड्रॉपर्स ही रह गए थे या फिर उनको अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया था। मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। जो भी लोग मेरे को कहते थे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, दे वर ऑलवेज अफ्रेड, ठीक है, क्योंकि उनको हमेशा डर लगता था। लेकिन मेरे को डर नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी इस तरीके से करी थी जिससे मेरे को 100% श्योरिटी थी कि मेरे को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। सो आपको हमेशा प्लेटफॉर्म को भी चूज़ करना है लॉजिकली सोच के। जब आप मान लो अपने पेरेंट्स को देखते हो कोई शॉपिंग करने जाते हैं, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, जब आप मान लो टीवी खरीदने जाते हो, फ़ोन खरीदते हो, तो कितनी रिसर्च करते हो, इसका ये अच्छा है, इसका रैम अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, कैमरा की क्वालिटीज़ को आप कंपेयर करते हो, दो फ़ोन को कंपेयर करते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे रिव्यूज़ देखते हो, तब जाकर के आप एक 50,000 का, 40,000 का, 10,000 का फ़ोन खरीदते हो, राइट। 10,000 के फ़ोन खरीदने के पहले आप बहुत रिसर्च करते हो। लेकिन जब आप 1-2 लाख रुपये किसी कोचिंग में दे रहे हो तो आपका रिसर्च क्या होता है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ब्रांडेड है, यहाँ पर जाकर के हम एडमिशन कर लेंगे। पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, ड्रॉप करोगे और टाइम बर्बाद, फ्यूचर बर्बाद, सो है ही। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, फिर चाहे 2 क्यों 3 लाख रुपए क्यों ना देना पड़े, वो आपके लिए सही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लास्ट जो चीज़ है ना, डिस्ट्रैक्शंस। बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज मैं कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, एक मेरा पुराना स्टूडेंट है, वीडियो कंसल्टेंसी सेशन मैं ले रहा था उसकी। सो काफ़ी सारे छोटे छोटे चीज़ें रहती है, जैसे कि मैस्टर्बेशन एडिक्शन एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ड्रॉपर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज वो घर पे अकेले रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो ड्रॉप करते हैं पार्शल ड्रॉप करते हैं। अभी कोरोना का भी टाइम चल रहा है तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर में आप ना काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आप 2 साल एग्जाम दिए, आपको डर भी लग रहा होता है कि अगले साल और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये एटीट्यूड लेकर क्या होगी, फिर से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये नहीं कि नहीं हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स का नहीं। ये डिसीजन आपको पहले लेने हैं कि जब आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको पता हो कि शायद वापस ना हो, ठीक है ना, और फिर भी मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ये नहीं कि सारा दिन सिर्फ पढ़ाई में लगे हैं, आपको रिफ्रेश होना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। जेई स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 2 साल में पूरा का पूरा चेंज हो जाते हैं। 9-10 तक आप पढ़ते हो, बहुत बढ़िया रहते हो, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे रहते हैं, आप दुनिया भर की मस्ती करते हो स्कूल में। लेकिन जब आप 11-12 के बाद में जब आप कॉलेज जाते हो ना, फिर आप ढूंढते हो दोस्त किसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके पास दोस्त नहीं होते घूमने के लिए, आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो, लेकिन आपको आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है आपके सोशल लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा, चाहे वो आपका पॉर्न एडिक्शन हो, चाहे वो आपका स्मोकिंग एडिक्शन हो, चाहे वो आपका अल्कोहल एडिक्शन हो, या दुनिया भर के जितने भी एडिक्शन हो। ये सारे मैं कर चुका हूँ अपने पीरियड में जब मैं ड्रॉपर था, इसीलिए मैं आप लोगों को यह बात ज्ञान दे पा रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, अपनी सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा सा कम ज़रूर कर लेना है ताकि आपका फोकस पढ़ाई में बना रहे, लेकिन आपको लोगों से मिलना जुलना कंटिन्यू रखना है। अगर आप लेट से फेसबुक चलाते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई हमें तो 6 महीने के लिए फेसबुक की आईडी डीएक्टिवेट करनी है तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। होता क्या है, फेसबुक की आईडी डीएक्टिवेट होती है, 2 महीने बाद फिर से आपको याद आती है आपकी क्रश की, आप चेक करने जाते हो कि मैसेज आया नहीं आया है, और ये सब करते करते आपका एग्जाम हो जाता है, आप फिर ड्रॉपर के ड्रॉपर रह जाते हो। नेवर मेक एक्सट्रीम डिसीजंस इन योर लाइफ। कभी भी एक्सट्रीम डिसीजंस मत लो लाइफ में, वो भी इस पीरियड में जब आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो। आप लोग ऐसे ऐसे कसम खा लेते हो कि यार हम तो अब दोस्ती यारी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी घूमने नहीं जाएंगे। इससे आप अपने हम अंदर एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हो, और जब भी आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है लाइफ में आप रिफ्रेश नहीं हो पाते हो। सो कभी एक्सट्रीम डिसीजंस मत लो, ये करो कि हाँ चलो ठीक है हम घूमने जाएंगे, थोड़ा कम जाएंगे, आई एम ओपन, मैं घूमने जा सकता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी देख करके, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जब आप थोड़ा सा लोगों से मिलोगे ना, आप एडिक्शन में क्यों पढ़ते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लोनली रहते हो, आपको कुछ चाहिए होता है,
ठीक है ना। तो जब आप लोगों से मिलोगे, जो आप सोशल लाइफ एंजॉय करोगे, आप पढ़ाई करोगे, पढ़ने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठ करके पढ़ सकते हो रैदर देन खुद अकेले पढ़ना। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ता था ना, तो मैं दोस्त के साथ पढ़ता था केमिस्ट्री, तो उसमें क्या होता था, एक टाइम स्पेंड होता है, लर्निंग भी होती है और एडिक्शंस भी दूर रहने में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई होप ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई हो। बहुत डीप बातें मैंने इस वीडियो में बोली है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आई हो, वापस से मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से देखो। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो ना, सिंसियरली फॉलो करते हो और इस इंपॉर्टेंस को समझते हो कि आपका पैसा, आपकी टाइम, ये दोनों वेस्ट होती है अगर आप ड्रॉप करते हो तो, ठीक है। और अगर आप अभी ड्रॉप स्टेज में आ गए हो तो अभी गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, बस मेक श्योर कि अब इसके बाद आपको ड्रॉप ना करना पड़े। इसीलिए वीडियो का टाइटल था नेवर बी अ ड्रॉपर अगेन, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करना। अगर आप जेई नीट कोई से भी स्टूडेंट हो, नीचे अपने बारे में बताओ, आप कौन हो, बताओ आप कौन देख रहे हो मेरी वीडियो, मेरे बारे में आप लोग इतना जानते हो, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के बारे में, तो कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, सारे कमेंट्स को मैं जो है रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। एंड जानना चाहूँगा कि कितने यहाँ पर मेरे ड्रॉपर्स हैं जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, किसने क्या क्या चीज़ें समझी, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। तो मेक श्योर कि आप लोग नीचे कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ठीक है। जेई नीट के लिए आप मेरे को अपना मेंटर, टीचर, सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।